गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ 28/10/29 मई 2022। तो करते हैं स्टार्ट। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। सेकंड, प्याली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। छत्तीसगढ़ CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास स्टॉर्म ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जोपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता। IBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में तुर्की शीर्ष पर रहा। अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार डॉक्टर विश्व क्रियप्पा को दिया गया। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बनी है Coinbase। जापान में MUFG बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। सरकार ने BPCL में 53% फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। उत्तराखंड में रक्षा मंत्री ने नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी। SEBI ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड को स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत ISS जूनियर विश्व कप 2022 में शीर्ष पर रहा। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पर गीता ठाकरा नाम से फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।